नंबर, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर। रियल नंबर कब होगा? जब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड इक्वल टू में 1 प्लस का आयोटा कॉस थीटा, नहीं में 1 माइनस का 2 आयोटा कॉस थीटा। हम लोग क्या करते हैं, अब नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 प्लस का 2 आयोटा कॉस थीटा से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर ऊपर करें मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1 प्लस का 2 आयोटा कॉस थीटा प्लस का आयोटा कॉस थीटा प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना जी। और नीचे प्लस माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 इसका वैल्यू -1 आयोटा स्क्वायर का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो प्लस का 3 आयोटा कॉस थीटा, और बाई में नीचे देखो 1 और आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू में लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 आयोटा कॉस थीटा और बाई में 1 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कह रहा है कि जेड इज रियल नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या है, रियल नंबर है, तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना, तो रियल होगा कब, जब इसके इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा तब ना जी। तो यहां से लिख सकते हैं आपका 3 कॉस थीटा बाई में 1 प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, समझ रहे ना बात को, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो यानी कि थीटा इक्वल टू में आप चाहो तो लिख सकते 2n π ± π/2 n बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि देख लो कॉस थीटा इक्वल टू में ये कॉस में कितना का वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई टू का, यही ना हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल दिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख।